हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अफसर केटेगर। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का फिफ्थ लेसन अलाइनमेंट, जो कि पीबी शैली के द्वारा कंपोज्ड है, उसे पढ़ने वाले हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1792 टू 1822 है। अबाउट द पोएट में ये देखिए, पर्सी बिस शैली सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्सी बिस शैली इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये एक रोमांटिक पोएट रहे हैं। आप कह लीजिए कि रोमांटिक पोएट जैसे कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, और उसके बाद जो है विलियम ब्लेक हैं, ये लोग जो है रोमांटिक पोएट्स रहे हैं। तो ये एक रोमांटिक पोएट रहे हैं और एक कहा जाए कि इनका जो जीवन रहा है वो बहुत ही हैप्पी नहीं रहा है। इनकी इनकी जो लाइफ में कुछ न कुछ अनहैप्पीनेस रही है, कहीं ना कहीं जो है फ्रस्ट्रेशन रहा हुआ है। सबसे पहले तो जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ तुरंत इनको ऑक्सफोर्ड में जो है एक्सपेल्ड किया जाता है। इन्होंने एक रिवॉल्ट ऑफ जो है एथीज्म को लेकर के इन्होंने वो कर दिया था, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म इन्होंने लिखा था एथीज्म। और फिर इस तरह से करते हुए इनका जो जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो बहुत सही नहीं चल रहे थे। और जो जॉन कीट्स हैं उनकी जो है कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन हैं, उनको इन्होंने बहुत जो है हेल्प भी किया था। और उनकी भी प्रीमेच्योर डेथ हुई थी और इनकी भी प्रीमेच्योर डेथ हुई थी। और जो ये पोएम है, और सबसे बड़ी बात कि इनकी एज जो है 29 ईयर्स पे ही हो गई थी। ये ड्राउंड हुए थे शेलिंग इन स्टॉर्म, एक इनका बोट एक्सीडेंट कह लीजिए हुआ था गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली में, और इस तरह से इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं ये इनकी लास्ट पोएम कही जाएगी। यह एक इनकी लास्ट पोएम है जिसमें इन्होंने क्या किया है, अपने लाइफ के जो है फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को जो है बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा है। अच्छे से कहने का इन द सेंस, उनको लग गया था कि अब ये इनका जीवन और आगे नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, प्रेडिक्शन इन्होंने कर दिया है कि ये इनका जो लास्ट पोएम के माध्यम से ये अब इनके जीवन का अंत होने वाला है। और रियली जो है ये लास्ट पब्लिश्ड पोएम थी। सो अब पोएटिक लाइंस को देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ का अर्थ हे से करेंगे, हे संसार, हे विश्व, हे जीवन, हे समय, ये एड्रेस कर रहे हैं। ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, करें कि जिनकी अंतिम सीढ़ियों पे ये चल रहे हैं, लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। किनके लास्ट स्टेज पे, हे संसार, हे जीवन और हे समय। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, करें कि जहां पे खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, ये कांप रहे हैं। ओके, लेकिन जहां पहले खड़ा रहते थे, जो पहले काम किया करते थे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ग्रेट स्किल के साथ जो काम करते थे, आज वह काम करने में या उस स्थान पे आज ये क्या है, कांप रहे हैं। अर्थात जो काम ये बहुत अच्छे से करते थे, जिस काम को इन्होंने अच्छे से संपादित किया, या जो भी जैसे भी थे, आज जिस कंडीशन में हैं पहले वाले, तो आज वहां ये कांप रहे हैं। ओके, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर क्राइम, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारे, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर टाइम, तुम्हारे जो ये प्राइम जो होता है, हर व्यक्ति का जो है एक प्राइम टाइम होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, सपोज कि किसी का जो है 50 इयर्स की एज है, 60 इयर्स की एज है, तो 25 इयर्स में या 20 इयर्स में वो बहुत अपने मतलब जीवन के अत्यधिक जो कहते हैं पेस पे था ना, उसकी जो पेस थी, वो उसकी जो प्रोग्रेस थी वह सबसे ज्यादा थी, अटमोस्ट थी, तो उसको प्राइम कहा गया। तो उसे यहाँ वैभव से लिया गया है, ग्लोरी से लिया गया है। तो कह रहे कि आप अपने जीवन की जो जो युवा अवस्था है, जो प्राइम है, उसकी जो ग्लोरी है, उस पर कब लौटोगे। ओके, कब आपको पुनः प्राप्त होगा, आप समझ रहे हैं। When will return the glory of your prime, आपकी जो ग्लोरी है, जो फेमस है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कब रिटर्न होगी, उसकी वैभव, उसकी जो है जो प्राइम है वो कब रिटर्न होगी। नो मोर, ओ नेवर मोर, आंसर मिलता है स्वयं। देखिए, जब व्यक्ति परेशान होता है, जब वो ट्रबल में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो स्वयं से क्वेश्चन करता है और स्वयं ही उसका आंसर देता है। तो उत्तर भी मिल रहा है, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, और कभी नहीं। ओके, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, दिन और आउट ऑफ डे एंड नाइट, ओके, दिन और रात,
दिन और रात में से जो एक ज्वाय है, जो खुशी है, वो टेकन फ्लाइट, हैज टेकन फ्लाइट, वो चली गई है, उड़ गई है। अर्थात जो इनके जीवन में, इनके दिन और रात में जो जो भी इनका समय है, उसमें कहीं भी हैप्पीनेस की कोई जगह नहीं है, कहीं भी हैप्पीनेस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस इनके जीवन में है ही नहीं, इसको ये कह रहे हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। कह रहे फ्रेश स्प्रिंग, जो वसंत ऋतु है, जो तरोताजा वसंत ऋतु आती है, एंड समर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि दिन और रात में, अर्थात इनके जो टाइम इनका चल रहा है, उसमें कहीं हैप्पीनेस नहीं है, प्लेजर नहीं है। तो फिर और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ्रेश स्प्रिंग, जो वसंत ऋतु आती है, उसमें लोग खुश होते हैं जैसे ही वसंत ऋतु आती है, एंड समर। और चूंकि इंग्लैंड में बहुत सारा ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो जब समर आती है तो वहां लोग खुश होते हैं। एंड विंटर हॉर, और जब विंटर में जो है, जब विंटर में बर्फीली शीत पड़ती है, देखिए ये एक पिक्चर है जिसमें कि एकदम जो है, कहते हैं ना कि ये तुषार पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही यहाँ पे लोग जाते हैं स्केटिंग करने के लिए, बहुत इसका लोग आनंद लेते हैं। लेकिन जो है यहाँ पोएट को इसमें मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट कह रहे हैं कि ये फ्रेश स्प्रिंग, समर और विंटर और हर किसी व्यक्ति को जो है मूव करेगा, सहराएगा, सहलाएगा, या उसको लगेगा क्या रहेगा, बहुत खुश रहेगा, या उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इनकी जो, इनको क्या है, मूव माई फेंट हार्ट, इनकी फेंट यहाँ पे जो है वीकनेस है, इनके वीक हार्ट को, जो कमजोर या दुर्बल, दुख से पीड़ित जो है हृदय को, विथ ग्रीफ, दुख से जो है सहला रहा है। ये इतनी चीजें जो सबके लिए खुशी है, जब सबके लिए जो है प्लेजर है, इनके लिए दुख से वो चीजें इनको जो है सहला रही हैं, बट विथ डिलाइट, अर्थात डिलाइट, खुशी के अलावा, खुशी के सिवाय इनको इन चीजों से जो है दुख प्राप्त हो रहा है, इनको ये चीजें दुख दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें दुख मिल रहा है, जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है, उनसे इन्हें दुख की अनुभूति हो रही है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, अब इन्हें कभी भी नहीं, जीवन में कभी भी नहीं इन्हें जो है खुशी मिलने वाली नहीं है, ऐसा इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि इनका जो लाइफ है, इनकी लाइफ का जो भी मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो सब जो है बिल्कुल फेलियर में है, डिसअपॉइंटमेंट में है। ये सोच रहे हैं कि अब इनके लिए कुछ भी इस संसार में नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। जो चीजें सबके लिए खुशी देती हैं, सबको जो है प्लेजर प्रोड्यूस करती हैं, यील्ड करती हैं, वो उनके लिए जो है दुख दे रही हैं। इस तरह से ये पोएम जो है कंप्लीट होती है। आई होप आप इसे जरूर जो है एंजॉय किए होंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।